ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने बहुत टेस्टी नाश्ता बना के रेडी कर दिया, तो आप लोग देख सकते हैं कितना टेस्टी नाश्ता है। तो इसको बहुत आसानी से आप बना के खा सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं, मेहमानों को खिला सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी है दोस्तों। ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करिए। तो चलिए आप लोगों को बना के दिखाते हैं किस तरह हम ये नाश्ता बना के तैयार करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, हमेशा अच्छे रहें दोस्तों। तो जय माँ अम्बे विलेज कुकिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कौन सी रेसिपी हम बनाएंगे। रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे हमने गेहूं का आटा लिया है, तो चलिए आप लोगों को बता दें आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे का नाश्ता। तो यहाँ पे हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से हमने गेहूं का आटा लिया है, इसको हम इधर रखेंगे। एक थाली लेंगे, इसमें हम सबसे पहले यहाँ पे हमने उबला हुआ आलू लिया। आलू को हमने इस तरह का हमने कद्दूकस कर लिया है, देखिए इसको हम इसमें पलट लेंगे। यहाँ पे हमने आलू को थाली में निकाल लिया है, अब इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे, हल्की सी हींग डालेंगे। यहाँ पे हमने कुटी हुई लाल मिर्ची लिया है, यहाँ पे हमने अदरक कुटी हुई लिया है, थोड़ी सी हमने हल्दी पाउडर लिया है, कस्तूरी मेथी लिया, धनिया पाउडर लिया है, इसमें हम सारी चीज़ें डाल देंगे। यहाँ पर हमने जीरे का पाउडर लिया है, इसको डाल देंगे, थोड़ा सा जीरा दाना लिया इसको डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके डाल देंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। इसमें हमने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके गेहूं का आटा डाल के इसका हम एक डो तैयार करेंगे। यहाँ पे नाश्ते के लिए हमने डो तैयार कर दिया है, चलिए अब बनाना शुरू करते हैं नाश्ता। अब इसको हम दो भागों में कट कर लेंगे, उसके बाद हम एक गोल सेल में इसको हम गोल कर लेंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा सा सूखा आटा लिया, आप चाहे तो इसमें तेल लगा के बना सकते हैं। तो ये नाश्ता दोस्तों आप बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं, आप लोग खा सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी है। जो बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा मसाला तीखा कम करें, मसाला कम कर दीजिए। उसके बाद हम इस तरह हम इसको हाथ से बढ़ा लेंगे, देखिए इसको हमको ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, इतना हमने इस तरह का हमने बेला है। और इसको हम इस तरह साइड से किनारे का भाग निकाल देंगे, देखिए इसे आटे में डाल देंगे। इस तरह हम इसको देखते कट करेंगे। इस तरह से हम उनको बना के रेडी कर लेंगे, उसके बाद हम उनको दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमने तेल चढ़ा दिया, तेल हमारा गरम हो गया है। तो चलिए जो हमने नाश्ता बनाया है इस तरह हम डालते जाएंगे। यहाँ पे हमने जितना नाश्ता डाल दिया है उसको हम दूसरी तरफ थोड़े पलट देंगे। यहाँ पे नाश्ता हमारा पक गया, तो अब इसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने अपना नाश्ता पका लिया है, इसी तरह हम सारा नाश्ता पका के दिखा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने गेहूं के आटे का नाश्ता बना के रेडी कर दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आप इनको चटनी के साथ खा सकते हैं, आप चाहे तो इनको दही के साथ खा सकते हैं, आप चाहे तो सुबह के चाय के साथ ही आप खा सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी है दोस्तों। ये देखिए कितने मुलायम बने हैं, देखिए। तो दोस्तों बनाना बहुत सरल तरीका है, तो इनको एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिए। दोस्तों अगर हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।